मैं देहरादून में आया हुआ हूं, मुझे बता एक सरकारी कार्यक्रम में मुझे बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने जस्टिस मुरलीधरन के ट्रांसफ़र को लेकर बहुत ही बेबुनियाद अनुचित बातें कही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, जिसके अध्यक्ष माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी अनुशंसा 12 फरवरी 2020 को आई थी। और जब किसी भी जज का ट्रांसफ़र होता है तो उसका कंसेंट लेते हैं। तो जस्टिस मुरलीधरन को एक सीनियर जज के रूप में, नंबर टू के रूप में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, जिसमें उनकी सहमति भी है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा है 12 फरवरी को, और एक नहीं तीन तीन जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस पर ये बेबुनियाद तरीके से जो राजनीति करने की कोशिश की गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य से बार बार हारने के बाद ये आचरण बन गया है कि सभी संस्थाओं पर हमला करो। अगर कोर्ट के फैसले उनके मन लायक हैं तो ठीक है, मन लायक नहीं है तो कोर्ट पर सवाल खड़े करो। CAG, CVC, आर्म फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन, सब पर बेबुनियाद टिप्पणी करना उनकी आदत बन गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देश की न्यायपालिका की आज़ादी में पूरा विश्वास करते हैं, और कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी के समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी सुपरसीड किया था, और एक बहुत ही विद्वान जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बने दिया कुछ महीनों के लिए, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के पक्ष में फैसला दिया था। तो कांग्रेस पार्टी नसीहत देना बंद करे और कृपा कर करके ऐसे संवेदनशील मामलों पर जो न्यायपालिका से संबंधित है राजनीति करना बंद करें।